सो गाइस अभी हमारा आ चुका है खाना पीना, पेटीज आई हमें खिल जाएंगे बुढ़ाने। तो अभी इतने मैं हूँ मम्मी के पास, मैंने बोली मैं खूब लेट लूँ आराम। अब फ़ोन में बैटरी हो गई डाउन। सो गाइस अभी रुके हैं अंकल जी सीएनजी डलवाने के लिए, तो कार में सीएनजी डलवा। हे गाइस वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस अभी हो रहा है टाइम 5 सुबह के, और अभी हो चुके हैं हम रेडी एकदम बिल्कुल, और रेडी हो चुके हैं दिल्ली जाने के लिए। और रात सब पैकिंग वैकिंग हो गई थी, तो अभी निकल रहे हैं बस 5-10 मिनट में। अंकल जी आने वाले हैं, कार वाले जो लेके जाते हैं उनका फ़ोन आया था कि बस 5 मिनट में आ रहे हैं। तो अभी हम फाइनल रेडी हैं और नाश्ता वास्ता कर लिया हमने सब, तो अभी निकलते हैं हम दिल्ली के लिए। मैंने सूट पहना है। सो गाइस हम तो रेडी हो रखे हैं इतनी देर से, 5:10 हो गया और अंकल जी का फ़ोन नहीं आ रहा। अब लेट हो जाएंगे ऐसे तो फिर वहाँ पे अस्पताल में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे टोकन लेट मिलता है, फिर लेट नंबर आता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम चाह रहे हैं वहीं पे ही देखते हैं, फ़ोन करके आते हैं ठीक है, नहीं तो फिर किसी को फ़ोन करेंगे। चलो अपना बैग उठा लिया हमने। चलो चलो चलो, वाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना सुबह सुबह, आज तो अंधेरा अंधेरा हो रहा है, 5 बजे तो दिन निकल जाओ। अच्छा ना आज क्यों नहीं निकल रहा, निकल तो रहा पर हल्का हल्का सा निकल रही, जब से ये वाला घर बनाना है थोड़ा थोड़ा रुक सी गया चांदना, जितने बनते जा रहे एक भी खाली रहेगा ना तो ऐसा लगे कि वहाँ से रोशनी आ रही। आ तो भाई हमारे अंकल जी कार वाले, अभी रुके हैं अंकल जी सीएनजी डलवाने के लिए, तो कार में सीएनजी डलवाते हैं, तो नहीं तो डलवाते हैं रुक के ही, पहले नहीं डलवा सकते, मुझे बहुत बेकार लगे वाला प्रोसेस, उतरो फिर बैठो। चलो आ जाओ, बस ये चला वैसे तो पूरे धक्के लगा लगा के चलाया, पूरा बहाल कर दिया। तो गाइस जीटीवी तो आ चुका है, पर हमें जाना है अगले वाले अर्बन में, तो वहीं पे इससे आ गए वो थोड़ा सा। हे गाइस तो अभी पहुंच चुके हैं हम हॉस्पिटल में, अब की बार आए हम अबू वाले अस्पताल में जहाँ से अबू की दवाई आती है ना, जीटीवी नहीं आए क्योंकि जीटीवी से आती है अम्मी की दवाई और यहाँ से अबू की दवाई आती है। तो आज अम्मी और मैं आए दोनों, तो आप सोच रहे हो कि मैं क्यों आई हूँ, अम्मी के लिए ले जाती हैं अबू की दवाई, तो वैसे भी तो मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा है मंडे में यहाँ पे दिल्ली में महपालपुर के अंदर इंटरव्यू जॉब के लिए, तो मुझे आना था संडे में, मंडे में इंटरव्यू है ना, तो सैटरडे, आज सैटरडे में अबू की दवाई मिलती है। तो मम्मी बोलने लगी कि सैटरडे में दवाई भी ले लूँगी मैं और तुझे वहाँ तक लेके भी चल जाऊँगी, और यहाँ तक अम्मी और मैं आ गए साथ में, यहाँ से हॉस्पिटल से मुझे पापा लेके चल जाएंगे महपालपुर के लिए।
अब मैंने उनको कॉल कर दिया यहाँ पे आने के बाद, तो अभी थोड़ी बहुत देर में, अभी तो 8 बज रहे हैं ना, हम सवेरे आए हैं हॉस्पिटल की वजह से, तो अभी मैं यहाँ पे रुकूँगी थोड़ी, इतने में आएँगे पता नहीं 1 बजे तक आ ही जाएंगे, उसके बाद मैं चले जाऊँगी उनके साथ महपालपुर और अम्मी चली जाएंगी दवाई लेके घर। तो इसलिए मैं आई थी क्योंकि मेरा मंडे इंटरव्यू है और मुझे संडे तो आना ही था, और आज सैटरडे है, सैटरडे में मिलती है अब्बू की दवाई, तो मैं एक दिन पहले ही आ गई ताकि दवाई भी मिल जाए, और उनको पापा को वहीं तक जाना पड़ता फिर मुझे लेने के लिए बुढ़ाने तक, तो इससे अच्छा उनका भी आधा काम ख़त्म हो गया और हमारा भी काम हो गया, तो इसमें एक दिन पहले आके फ़ायदे दो हो गए, एक तो पापा को बुढ़ाने नहीं जाना पड़ा, वो यहाँ से लेके चले जाएंगे मुझे, अब आएंगे एक डेढ़ बजे तक आ जाएंगे वो, लेके चले जाएंगे मुझे महपालपुर, और अम्मी की दवाई लेके चले जाएंगे बुढ़ाने, और अम्मी के साथ आ गई मैं उधर से। चलो एक साइड तो साथ हुआ कि एक साइड से साथ आया कोई, और मैं भी यहीं पर हूँ, इसमें दवाई नहीं मिलती ना, जब दवाई मिल जाएगी जब जाएंगे हम, अभी तो वे भी नहीं आएंगे, लेट ही आएंगे, अभी सिर्फ 8 बजे हैं सुबह के। सो दो फायदे हो गए हमारे। वैसे मैं इसीलिए शॉपिंग की थी मैंने, जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था आपको, मेरा यहाँ पे इंटरव्यू के लिए ही आई हूँ, अब देखते हैं क्या होता है मंडे को, बाकी अभी 2-3 दिन में यहीं पर हूँ, आज और मंडे तक तो हूँ ही, और बाद में देखते हैं कब तक जाते हैं घर पर, तो अभी मैं 2-3 दिन यहीं पर ब्लॉग करने वाली हूँ, मस्त मस्त ब्लॉग आने वाले हैं, तो स्किप नहीं करना आपकी बात। गाइस ये है हॉस्पिटल, और यहाँ दवाई लेने आए, देखो कैसे लेटना पड़ रहा है बेचारों को, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत भीड़ है बहुत ज़्यादा, तो उधर वहाँ धूम में लाइन में लगेंगे, सच्चा यहीं पे ही लेट जाते हैं, घास में बैठ जाते हैं बेचारे, अब कौन कहाँ तक 4-5 घंटे रात से आते हैं, कौन कब तक रुकेगा, इतने ऊपर क्यों बैठी तुम, यहाँ से कुछ जानवर होगा। सो गाइस हम भी लेट चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर सब लेटे, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और देर भी हो रही है, तो अभी नंबर आएगा कम से कम 3-4 घंटे बाद, अभी 8 बज रहे हैं, कम से कम 12-1 के आसपास पर्चा ही जमा होता है, इतनी भीड़ है, रात से आके लगा देते हैं ना लाइन में, तो कल रात से लाइन लग रही थी, हम तो अभी आए हैं सुबह, तो इसलिए हमारा तो बाद में आएगा नंबर। सो गाइस अभी हमारा आ चुका है खाना पीना, पेटीज आई, कितनी पतली सी पेटीज थी यहाँ पे, अच्छा पतली हो गई हो यहाँ पे खाने में, ये चटनी है, बस मज़ा तो आ रहा है यहाँ पे बैठने में घास पे, हाँ ठंडा ठंडा लग रहा, रोटी पीते हैं, और गल रहा है बिल्कुल इसका स्ट्रो। सो गाइस अभी हमारा नंबर आया नहीं है पर्चे में, पता है इस हॉस्पिटल में क्या है, सही बात इसकी हॉस्पिटल की, यहाँ पे ये है कि सुबह आते हैं यहाँ पे डेली 2-3 हज़ार पेशेंट, तो जो भी पेशेंट आते हैं ना उनको अंदर लेते रहते हैं और टोकन नंबर डालते रहते हैं, जैसे 1-2-3 करके, हमारा है 7,916, तो बाकी जो पेशेंट रहते हैं ना वो वहाँ पे इकट्ठे नहीं होते, ऐसे बुलाते हैं बस 10 या 20 बंदों को, और बाकी सब इधर गार्डन में, देखो गार्डन दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ पे चारों तरफ ऐसे लेट रहते हैं बैठे रहते हैं, पेड़ हैं चारों तरफ, तो काफ़ी सही है यहाँ पे, अगर ये बंद होता ना और यहाँ पे 50 पंखे भी चल रहे होते तब भी इतने सारे आदमी यहाँ पे सुकून से नहीं रह पाते जैसे अभी रह रहे हैं, क्योंकि जो नेचुरल हवा है ना उससे सुकून रहता है, देखो इतने सारे बंदे थे यहाँ पे, अब तो थोड़ा छेड़ होगी तब जाके मैं व्लॉग कर रही हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सुबह जब हम आए थे बैठने की जगह नहीं थी, तो यहाँ पे सारे में छाती, अभी तो थोड़ी थोड़ी धूप आ गई इसलिए सब चले जाने लग रहे हैं, उठ के कुछ का नंबर आ गया 2000 से ऊपर देख भी लिए पेशेंट, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर एक साथ देखते हैं ना, ये नहीं है कि एक ही डॉक्टर एक साथ देखता है, अपने सामान का भी तो मुझे ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि हमें गई है नंबर लगाने के लिए तो सामान भी देखना पड़ रहा है, ये अभी बस नंबर लग जाए हमने का नहीं लगाने, यहाँ पे ये नहीं है कि लाइन में खड़ा होना पड़ता है, GTU में बहुत परेशानी इस चीज़ की, तो मैं चल जाऊँगा वहाँ से अम्मी, मैं चले जाऊँगा महपालपुर, अम्मी चले जाएंगे बुढ़ाने, तो अभी इतने मैं हूँ अम्मी के पास, मैंने बोली मैं खूब लेट लूँ आराम से, मैं उधर बैठा था अंदर, फिर मैं आ गई यहाँ पे, जिधर दवाई मिल रही है
दवाई लिखने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, पर्चा डॉक्टर के पास जा रहा है, और वहाँ पे मिला था टोकन दवाई के लिए, तो मैं भी यहीं पर आ गया। आएंगे तो यहीं 6 तारीख को हिम्मत है जी भी कर रोज जाने का वासी, हर तुम्हें छोड़ने का भी जी नहीं करता है। सही है, बढ़िया। आज है 2 तारीख, 2 तारीख और 4 तारीख को इंटर देखे, 6 तारीख को वापसी अपने घर। सही नहीं, ज़्यादा दिन नहीं दूर रहना पड़ रहा मुझे तुम्हारे साथ, तो जल्दी से वापसी। तो गाइस अभी 1 बज, तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1, तो अभी खाना खाते हैं पहले। और हमने लिए प्लेट थाली लिए पूरी, इसमें रोटी राजमा चावल और कड़ी वगैरह सारी पूरी थाली है। सो गाइस अभी हमें उतरना पड़ा GTV, क्योंकि मैंने कॉल की पापा को, तो वे भी रास्ते में है, काफ़ी टाइम लग जाएगा उनको, 15-20 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगी। तो हम वहाँ पे खड़े होते रोड पे, तो हमने सोचा कि GTV उतर जाते हैं और वहीं पे थोड़ी देर रुक जाएंगे, इतने वो आएंगे फिर वो कॉल कर देंगे, फिर 7 नंबर से निकल के वहाँ से मिल जाता है फिर ऑटो रिक्शा, तो हमने इसलिए GTV रुकना पड़ा अभी फ़िलहाल के लिए। नहर पे गोल चक्कर ले जाएंगे, बैठ जाओ, नहीं जाएंगे के लिए। फोन हाथ में रखिए, फोन करूंगी मैं अपना नाम से है, दिलवाऊंगी अम्मी पैसे, दिलवा दूंगी खाना, मत खा लो पापा तुम खा लो, आराम से फोन हाथ में रखना। अम्मी चली गई गाइस और पापा आ गए, कुछ नहीं कह रही अम्मी, क्या कहाँ से बैठोगे, मगर इधर से बैठे हैं 3 नंबर से, हाँ वो सोचिए कि आप तो उधर से बैठे हैं। बस इतनी सारी आ रही पर हमारी नहीं आ रही, जल्दी से आ जाओ फिर तब जाओगे, नहीं आते टिकट नहीं गई, शर्म का बोल रही फुल और से पूरी हो वो कहाँ बैठ गए। इतनी खड़ी कुछ वहाँ पीछे इतनी सारी खड़ी है, कभी काम है यहाँ भी आए, इंदौर थो डिपो, ये कौन कौन सी आ रही भाई, क्रिमिनल है 125 221 आनंद विहार, आनंद विहार क्या रही बाबू, आनंद विहार वही है। एक्सीडेंट हो गया तो बस का, एक बस और कम होगी, इसका एक्सीडेंट हो गया इसके पीछे, तो बस मैंने गेट किया है आली और 543 यही है, चलो तो फिर वही खाद लो, भरी हुई में ही चढ़ लेंगे यहाँ तो धूप हो रही पापा, भरी हुई में ही चढ़ लेंगे धूप हो रही, यहाँ कोई बात नहीं, भरी हुई में ही बैठ जाएंगे आज, ना मुझे बता दो 43 43 तो चल भी दिलो एस टी ज़्यादा एक और आ रही इस पर लिख रहा दिखे कप्पा से डी यही है, आराम से रोक ले रोकेगा, हाँ ये वही है, नहीं
दूसरी से ब्रीम मिली पर मिल गई। पूरा एक घंटा वेट किया 3 बजे से 4 बजे तक और 4 बजे अब बस मिली है। एक घंटे से हम अंधेरे में खड़े थे धूप में, बहुत तेज़ वाली धूप में, इसके अंदर को भी आराम कैसे जा रही थी धूप, ऐसे लगा सर में घुस रही है। अब जाके डायरेक्टली मैपलपुर मिलते हैं। हम भी पहुंच गए मैपालपुर में, पहुंच गए तो पहुंच गए घर। हम भी वे पहुंच गए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। घर पहुंच गए, ब्लॉग यहीं पे खत्म, आज की हिम्मत खत्म।